ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી વડોદરાના હવાઈ મથકે ગત સાંજે આવી પહોંચ્યા હતા. વડોદરામાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી કૈલાસ વિજયવર્ગીય ગત સાંજે વડોદરા હવાઈ મથકે આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેઓએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરી હતી અને દેશમાં થઈ રહેલા દુષ્કર્મ મામલે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સંસદમાં પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. સરકાર આ બાબતે નિર્ણય લેશે, સમાજને પણ એક ચિંતનની આવશ્યકતા છે. દેશમાં જે વિભાજન થયું તે ધર્મના આધાર પર થયું છે. સમય અનુસાર જે ઘૂસપેટીઓને દેશમાં જો જગ્યા આપવામાં આવે તે દેશની આંતરિક સુરક્ષા માટે ખતરનાક રૂપ છે. તેઓને દેશની બહાર કરી દેવા જોઈએ તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. देखिए, आज हमारे गृहमंत्री जी ने पार्लियामेंट में साफ कहा कि इस देश के अंदर जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ है. वो काल और परिस्थिति के अनुसार भारत के संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता है. यदि हम सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण घुसपैठियों को अंदर पनाह देंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा. मैं बंगाल का प्रभारी हूँ. बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं. देश की अर्थनीति में फेक करेंसी चलाकर जिस प्रकार प्रभाव डाल रहे हैं, बहुत ज़रूरी होगी इस प्रकार के घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके देश के बाहर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप 47 से अगर आज के समय की तुलना करेंगे तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है. और जहां तक शरणार्थी की जिस प्रकार डेफिनेशन यूएन ने भी दी है उसके अनुसार किसी भी देश को अपना अधिकार है कि वह किसको शरणार्थी माने और किसको नहीं माने. मैं समझता हूं कि इसमें बहुत साफ गृहमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है. और हमारा जो CAB का जो बिल है वो देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, और इसलिए इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए. तुष्टिकरण की नीति के आधार पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ देश की जनता इसको मिल गई क्या कहेंगे. नहीं, मैं मोदी जी को, अमित भाई को, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष नड्डा जी को, येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता ने बहुत ही समझदारी से मतदान किया है और एक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है. देखिए, अब ममता बनर्जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा. बाकी हमारे यहाँ जो संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार की भूमिका बहुत स्पष्ट है. नागरिकता किसी व्यक्ति को देना है राज्य सरकार का अधिकार नहीं है. हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से काम करेगी और केंद्र में जिम्मेदार लोग हैं. और इसलिए ममता जी के इस बचकाना बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा. सर, ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में सर, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में और स्ट्रिंजेंट होगा? निश्चित रूप से सरकार इसमें निर्णय भी करेगी और मुझे लगता है कि इसके ऊपर समाज में भी चिंतन की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाओं का संख्या क्यों बढ़ रही है.